नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए लेके आई हूँ ट्राईहेड्रिक अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल का पार्ट 11। इससे पहले तो हम 10 पार्ट बता चुके हैं, हमें बता चुके हैं कि अल्कोहल्स क्या होता है, अल्कोहल के अंदर ट्राईहेड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। ट्राईहेड्रिक अल्कोहल वो होते हैं जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कॉमन नेम में ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। इससे पहले पार्ट 10 में हम आपको पढ़ा चुके हैं ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन मेथड। तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल है, पहली रिएक्शन है ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लास्ट ईयर के पेपर चेक करेगा, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन बहुत आती है ग्लिसरॉल की, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए। तो कैसे प्रिंटिंग का प्रोडक्ट देखिए, व्हेन डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्मड अंडर डिफरेंट कंडीशन, एक्चुअल में इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें कंडीशन के बेसिस पे रिएक्शन आती है। कंडीशन मतलब क्या क्या कंडीशन है देखिए, पहली कंडीशन होती है कि जब हम ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जब हम इसको कितने पर ट्रीट करते हैं 110 पर हम ट्रीट करते हैं, जब हम 110 पर ट्रीट करते हैं तो हमारी रिएक्शन कैसे होती है देखिए, CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड को आप उल्टा करके लिख दीजिए, COOH और COOH, ऐसे लिखने से क्या होगा आपका रिएक्शन मैं इजीली समझा सकूंगी। और ये रिएक्शन हमारी हो रही है 110 पर, 110 पर हो रही है। तो आपका देखिए यहाँ से एच लिया और यहाँ से OH लिया, क्या एलिमिनेट हो गया, H2 एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, बचा CH2OOC, फिर नीचे वाला बॉन्ड एज इट इज है क्या COOH, नीचे वाला CHOH एज इट इज है जैसे था CHOH एंड दिस इज द वर्ड CH2OH, ये आपका बन गया। देन आफ्टर मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने 110 डिग्री सेल्सियस में जब रिएक्शन कराई हमारा क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ। इन द सेकंड स्टेप वी एलिमिनेट द CO2 मॉलिक्यूल्स, ऐसा समझ में नहीं आ पाती इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। देन रिमूव द CO2 मॉलिक्यूल्स, हमने CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव करा, सो वी गेट व्हाट, वी गेट CH2OOCH, सी और ये वाला है जो ऊपर चले गया, ये CHOH एज इट इज रहा, CH2OH एज इट इज रहा, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। दैट मींस इस स्टेप में हमारा क्या एलिमिनेट हुआ, CO2 एलिमिनेट हो गया, जो मैंने करके दिखा रखा है, जिसे कहते हैं ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट के नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेप में फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। थर्ड स्टेप में हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो पहले क्या निकालना है देखिए, आपको मैं तरीका बताती हूँ। पहले आप क्या कर दीजिए, ग्लिसरॉल को एज इट इज निकाल दीजिए, CH2OH, ध्यान से देखिएगा क्या CH2OH, CH2 ये O और ये H, बचा क्या है CO बचा है, हमारा क्या बचा है O और C बचा है, क्या बचा है हमारा, ये O और H आ गया CH2OH, बचा क्या है OC बचा है, ये हो गया OC, ठीक है। वाटर ऐड करा है देखिए, वाटर ऐड करा है तो ये हो गया, वाटर बचा है हमारा H, CO बचा था HCO, हमारा बचा था CO बचा था, ये बचा था हमारा C और O बचा था, देखिए C और O बचा था, मैंने ये उठा के यहाँ पर रख दिया, CO बचा था, वाटर जोड़ा हमने इसमें, क्या है थर्ड स्टेप में हमने क्या कर रखा है, वाटर को ऐड कर रखा है, चलिए वाटर को हम क्या लिख सकते हैं HOH, तो क्या बन गया H इधर जुड़ गया, OH इधर जुड़ गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, दिस इज द प्रोडक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ग्लिसरॉल को हम 110 डिग्री सेल्सियस पर 110 पर ट्रीट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, फर्स्ट स्टेप में क्या एलिमिनेट होता है, H2 एलिमिनेट होता है, सेकंड स्टेप में CO2 एलिमिनेट होता है और तीसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर ऐड किया जाता है। जब तीसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर ऐड करा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, CH2OH को बाहर निकालना है कि इसको बाहर निकाल देना है और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हो गया वो हमारा प्रोडक्ट बनता है फॉर्मिक एसिड। तो आप क्या जाने, इससे आपने ये समझा कि जब ग्लिसरॉल को 110 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्जेलिक एसिड से ट्रीट कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू प्रोड्यूस द टू रिएक्ट विद द ग्लिसरॉल विद ऑक्जेलिक एसिड। ग्लिसरॉल की जब ऑक्जेलिक एसिड से 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्मिक एसिड की प्राप्ति होती है। सेकंड रिएक्शन देखिए क्या है, सेकंड रिएक्शन से बताया, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, जब हम ग्लिसरॉल को ट्रीट करते हैं 260 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब 260 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं तो ये हमारा ग्लिसरॉल को हम 260 पर ट्रीट कर रहे हैं, देखिए सी सेम वही प्रोसीजर COOH और COOH उल्टा करके लिखेगा, इससे रिएक्शन करना इजी हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हो 260 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन द 210 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस जो है 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो रिएक्शन भी बहुत तेजी से होती है, प्रोसीजर वही रहता है, OH और ये H निकल गया और OH और ये H निकल गया,
अब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमेंट होंगे। तो पहले स्टेप में भी हमने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट करते थे करे थे, यहाँ पर भी पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट होंगे, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स एलिमेंट होंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमेंट होंगे। तो रिमेनिंग क्या बचा, क्या बचा बच्चों, सी एच टू ओ ओ सी, ये रहा सी ओ एस ही रहा, ये रहा सी ओ और ये रहा सी एच टू ओ एच। ठीक है, फर्दर देन आफ्टर फर्दर आप इसको हीट करेंगे तो एलिमेंट होता है ये रहा पर सी एच ओ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में फिर आपने हीट करा तो CO2 निकलेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल CO2 के नहीं निकलेंगे, टू मॉलिक्यूल CO2 निकलेंगे। तो टू मॉलिक्यूल, एक CO2 ये हो गया और एक CO2 ये हो गया, क्या निकल गया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकल गया, बचा क्या, CH2 CH CH2 OH। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ये कार्बन की वजह से सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बन गया आपका डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट इज एलाइल अल्कोहल। तो देख रहे हैं आप ग्लिसरॉल को जब 260 पर करा रहे तो 260 पर 2 डिग्री 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हो रहे हैं, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकल रहे हैं और आपका प्रोडक्ट बन रहा है एलाइल अल्कोहल। तो आप डिफरेंस समझ गए, जब क्वेश्चन 110 पर आएगा तो आप फॉर्मिक एसिड बनाएंगे, 260 पर आएगा तो आप क्या बनाएंगे, एलाइल अल्कोहल बनाएंगे। ध्यान से याद कर लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द ग्लिसरॉल। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मतलब तो समझते हो गए वाटर का निकलना, किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर का निकलना। तो कैसे देखिए, ग्लिसरॉल व्हेन हीटेड अलोन और विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और पोटेशियम पेंटाऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्रोलिन और एक्रोलडिहाइड इज फॉर्म विच हैज ए कैरेक्टरिस्टिक बैड स्मेल द रिएक्शन कैन बी यूज टू डू द टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल को अकेले ये किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक दैट फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा एक्रोलिन या एक्रोलडिहाइड की प्राप्ति होती है, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बैड स्मेल होती है जो हमारी ग्लिसरॉल की उपस्थिति को दर्शाती है, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। तो ग्लिसरॉल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करने को कहा गया है। ग्लिसरॉल को जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो देखिए क्या होता है, यह हमारा ग्लिसरॉल है, ठीक है, CH2 हुआ CH2 हुआ CH2 हुआ। ठीक है, H2 निकालने का तरीका आना चाहिए, प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हैं, रट सकते हैं, रटने की जरूरत है ही नहीं। देखिए आप ऐसा समझिए, H2 एलिमिनेट करना है तो H2O एलिमिनेट करने के लिए आप देखिए आप ऐसे करिए, H2 यहां से लीजिए और OH यहां से लीजिए और OH यहां से लीजिए। क्या लिया, दो H के ले रखा है, OH और OH, कितने मॉलिक्यूल्स निकल गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकल गए। रिमेनिंग क्या रहा, देखिए रिमेनिंग रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH, ये रहा CH और ये रहा CHO। क्या बना, एक्राइल एल्डिहाइड या एक्रोलडिहाइड या एक्रोलिन के नाम से जाना जाता है। H2O निकालने के कई तरीके होते हैं, मैं ये आपसे नहीं कह रही कि आप इसी तरह से वाटर निकालिए, आप याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको H2O निकालने का तरीका बता रही हूँ। आप ऐसे निकालेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, H2 यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, रिमेनिंग क्या रहा, ये रहा CH2, ये रहा CH और ये रहा CHO, ये CHO हमारा क्या बन गया, एक्रोलडिहाइड, यानी कि एक्रोलिन की प्राप्ति होती है। तो डिहाइड्रेशन करने पर हमें क्या मिलता है, एक्रोलिन की प्राप्ति होती है। तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, देखिए ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कई टाइप से होता है, बहुत तेजी से भी, बहुत स्लोली स्लोली भी। ठीक है, बनेगा दोनों में सेम प्रोडक्ट, देखिए कैसे, ग्लिसरॉल गिव द डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पहले आपको बोला इसका जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत स्लोली स्लोली भी होता है, बहुत फास्टली भी होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्या, कंडीशन ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन होगा, वीक या माइल्ड होगा तो स्लोली स्लोली रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी। तो देखिए ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट मे बी ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से ये प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे, देखिए जब मैं उसका ऑक्सीडेशन करा, ये अल्कोहल है, तीन अल्कोहल है। तो आपको एक रूल आपको याद होगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन के रूल अब क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला देखिए ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करा CH2OH ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन और ये दिस पोजीशन है अल्फा पोजीशन, दिस पोजीशन है अल्फा पोजीशन, बोथ पोजीशन आर सेम ग्लिसरॉल में। आपको पहले भी बता चुकी जब ग्लिसरॉल का इंट्रोडक्शन कराया था, तो जो भी प्रोडक्ट जो भी आपका कन्वर्जन यहाँ पर होगा वही चीज यहाँ पर होगी, यानी कि अल्फा अल्फा पोजीशन बने हुए प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन करने पर CH2OH ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें चेंज हो जा रहा है, CHO में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हो, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो दिस इज व्हाट CH2OH CHO CH
CHO किस में चेंज आता है, COOH में, CHO चेंज हो गया, COOH में चेंज हो गया, दैट मींस प्रोडक्ट क्या बन गया, ग्लिसरी, क्या ग्लिसरी कैसे, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन इसलिए करोगे क्योंकि अल्फा पोजीशन पर COOH ग्रुप आ गया, तो हमारे इस वाले अल्फा पोजीशन पर भी क्या आना है, COOH, तो दैट मींस का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर किस में चेंज होगा, CHO में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा COOH और ये हो गया आपका COOH, ठीक, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, COOH, ये हो गया COOH और ये हो गया COOH, तो दोनों फर्स्ट ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया अल्फा डैश पोजीशन, दोनों पर क्या हो गया COOH ग्रुप आ गया। आप सोचोगे मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नहीं कर रखा, एक्चुअल में आपको आप स्टेप बाय स्टेप शो कर सकते हो, पहले हमने क्या करा CHO में चेंज करा, CHO से किस में चेंज करा COOH में, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेप और दिखा सकते थे क्या, CHO का फिर CHO के बाद क्या होगा COOH में चेंज हो गया, डायरेक्ट लिया मैंने स्टेप शो कर दिया, तो वी गेट द टैटोनिक एसिड की प्राप्ति होती है, तो हमें क्या मिलता है टैटोनिक एसिड मिलता है, ठीक, बट आप एक चीज भूल रहे हो कि अभी हमने बीटा कार्बन पर तो कोई चेंज करा ही नहीं, बीटा कार्बन तो आगे चीज रह गया, जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती तो बीटा कार्बन में कुछ हो ही नहीं, तो बीटा कार्बन इज द सेकेंडरी अल्कोहल, बीटा कार्बन कौन सा अल्कोहल है, दिख रहा है आपको कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कीटोन मिलता है, ठीक है ना, आपने अल्कोहल का अगर अल्कोहल के सारे वीडियो स्टार्टिंग से देखे होंगे तो ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस अल्कोहल इज द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस अल्कोहल इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, साफ दिख रहा है कि हमारा अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऊपर वाली चीज तो आज ही जाएगी क्या CH2OH और ये रहा हमारा CH2OH, ठीक है, प्राइमरी कार्बन तो ऐसे ही रहेगा लेकिन बीच वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज होगा, कीटोनिक ग्रुप पे कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, फिर वही फिर इसी प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करोगे तो दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू CHO सी डबल बॉन्ड और दिस इज द CHO एंड दैट इज द फर्दर ऑक्सीडाइज सो व्हाट वी गेट क्या COOH एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज व्हाट COOH ग्रुप, तो देखिए फाइनली हमें क्या मिला क्या मीजो ऑक्सिलिक एसिड, हमें क्या मिला मीजो ऑक्सिलिक एसिड, तो दैट मीन्स हम चाहे रिएक्शन को किसी भी तरीके से करें एटलीस्ट हमें स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो हमें फाइनली वही प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो आप डायरेक्टली करते हो, तो दैट मीन्स आपको बस सिर्फ रूल याद करना है कि आप ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कैसे फेवर करेंगे, ठीक, नाउ देन आफ्टर दैट दिस इज द व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का यूज कहाँ होता है, इट इज मेनली यूज फॉर द स्वीटनिंग एजेंट इन द कॉन्फेक्शनरी एंड ब्रेवेज एंड द मेडिसिन बीइंग नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, ब्रेवेज में यूज होता है नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है, मेडिसिन साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इट इज यूज एज एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ये आपको पता होगा जब गाड़ी और ठंडी पड़ जाती है तो उसमें ऑटोमोबाइल रेडिएटर की तरह ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर अ गुड क्वालिटी ऑफ सोप बनाने के लिए, हैंड लोशन बनाने के लिए, शेविंग क्रीम बनाने के लिए, टूथपेस्ट बनाने के लिए, कॉस्मेटिक के लिए और लुब्रिकेंट ऑन वॉच एंड प्रिजर्वेटिव की तरह ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, तो दीज आर द मेनली यूज ऑफ ग्लिसरॉल, हालांकि यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट आपको एक क्लियर होना चाहिए कि ग्लिसरॉल को आप जब पढ़ रहे हो तो उसका मेनली यूज किस लिए होता है, हम इसको डेली लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं और हमें इससे पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो दीज आर द लास्ट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द अल्कोहल्स, हमने अल्कोहल के सारे टॉपिक बता दिए आपको, सारा प्रिपरेशन मेथड और सारे पढ़ा चुकी हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड लास्ट इज द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, अल्कोहल आज आपका कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।